हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं आरसी हेलीकॉप्टर का अनबॉक्सिंग और इसका करेंगे फ्लाइंग टेस्ट। दोस्तों ये वेलोसिटी मिनी हेलीकॉप्टर है जो आईआर इंफ्रारेड कंट्रोल वाला हेलीकॉप्टर है जिसे हम रिमोट के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। प्राइस इसकी जो है ऑनलाइन ऑफलाइन पे अलग अलग है। मैं इसे जो है ऑफलाइन मार्केट यानी कि अपने लोकल शॉप से परचेस किया हूँ जिसका प्राइस मुझे लगभग 1500 के आसपास पड़ा है। ऑनलाइन में भी ये आपको जो है डिफरेंट प्राइस में देखने को मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका परचेस लिंक मैं दे दूंगा या फिर प्रोडक्ट वाले आइकॉन में क्लिक करके आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट से भी परचेज कर सकते हैं। यहाँ सामने आप देख सकते हैं इजी कंट्रोल लेटेस्ट सुपर एलोएड स्ट्रक्चर सीरीज, और ये जो हेलीकॉप्टर है ये 14 प्लस के बच्चे यूज कर सकते हैं। बॉस के अंदर के कंटेंट की बात करें तो यहाँ मेंशन है कि आपको रिमोट मिलेगा, इसका कंट्रोल पार्ट्स, एक स्क्रू ड्राइवर, और यहाँ पर आपको या तो यूएसबी चार्जिंग मिलेगा या फिर चार्जिंग चार्जर, दोनों में कोई भी ऑप्शन मिल सकता है। तो इस बॉक्स को जो है मैंने पहले से ओपन करके रखा है, तो यहाँ पर मुझे जो है सिर्फ इसका यूएसबी चार्जिंग केबल मिला है। जो नोकिया का पुराना पतला सा पिन आता था उस टाइप का केबल मिलेगा। बॉक्स के अंदर हमें ये रिमोट मिलता है जिसमें आपको सारे कंट्रोल बटन, जैसे कि ये है अप एंड डाउन वाला कंट्रोल बटन है, ये लेफ्ट राइट टर्न वाला कंट्रोल बटन है, ये ऑन ऑफ का कंट्रोल बटन है। यहाँ पर ये बटन दिया है मगर ये किसी काम का नहीं है। यहाँ पर भी जो है ABC, ये तीन मोड वाले ऑप्शन है मगर इसमें भी जो है सिर्फ ए मोड काम करता है, क्योंकि हमने जो है ऑलरेडी इस हेलीकॉप्टर को टेस्ट कर लिया है। यहाँ पर भी जो ये आपको यहाँ एक व्हील देखने को मिलेगा, एग्जिस्टिंग व्हील जो कि इसी की तरह ही काम करता है, तो इसको ज़्यादा छेड़खानी नहीं करना है। इसको सेंटर पोजीशन में रख के इसी से जो है आप हेलीकॉप्टर को कंट्रोल कर सकते हैं। सामने आपको यहाँ पर आयर ब्लास्टर देखने को मिलेगा जो हेलीकॉप्टर को कंट्रोल करता है। बैक साइड की बात करें तो यहाँ पर आपको जो है बैटरी पैनल मिलेगा। यहाँ पर जो है आपको 6 बैटरीज लगती हैं, तो सेलर्स ने जो है मुझे बैटरी भी प्रोवाइड किया हुआ है। रिमोट की बिल्ड क्वालिटी प्लास्टिक की है और लाइट वेट है, ज़्यादा हैवी नहीं है। अब बात करते हैं इस हेलीकॉप्टर की। हेलीकॉप्टर की बिल्ड क्वालिटी भी ठीक ठाक है और इसको हमने जो है काफ़ी टाइम तक उड़ाया है और कई बार ये जो है दीवार पर भी टकराया है और ज़मीन पर भी गिरा है, तो फिर भी जो है ये काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग अभी तक जो है महसूस हुआ है। किसी भी तरह का डैमेज या कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आई है। यहाँ पर नीचे आपको इसका एयर रिसीवर और यहाँ पर ऑन ऑफ स्विच देखने को मिलेगा, साथ ही साथ यहाँ पर एक इंडिकेटर लाइट भी मिल जाएगा। जैसे ही हेलीकॉप्टर ऑन होता है ये जो है ब्लिंक करना चालू हो जाएगा। पीछे की तरफ इसके टेल में ये फ़ैन दिया है जो सिर्फ दिखावे के लिए है, मतलब इसका कोई काम नहीं है, सारा कंट्रोल जो है इस फैन से होता है। हेलीकॉप्टर जब आप उड़ाएंगे तो इसमें सिर्फ इसकी हाइट को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं और उसके बाद में जो है हेलीकॉप्टर को लेफ्ट और राइट ही टर्न कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा फ्रंट बैक इस तरह का कंट्रोल आपको नहीं मिलेगा। तो जैसे कि मैं कह रहा था कि इसमें जो है इस तरह का नोकिया का चार्जिंग पिन देखने को मिलेगा, यूएसबी चार्जिंग केबल, और उसके अलावा एक स्क्रू ड्राइवर, अगर कोई भी स्क्रू अगर ढीला होता है तो कसने के लिए स्क्रू ड्राइवर भी दिया हुआ है। इस चार्जिंग केबल की लेंथ भी जो है काफ़ी छोटी है। आपके घर में अगर मोबाइल चार्जर है तो कनेक्ट कर सकते हैं। चार्जिंग के लिए यहाँ पर आपको चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगा, तो इस तरह से इसको कनेक्ट करके इसको जो है मोबाइल चार्जर में कनेक्ट करके चार्ज कर लेना है। तो हमने जो है अपने एरोप्लेन को फुल चार्ज कर लिया है और जाते हैं आउटडोर में और इसका करते हैं फ्लाइंग टेस्ट। तो गाइस यहाँ पर हमारा जो हेलीकॉप्टर है वो ऑन हो चुका है और इसको जो है हमारे रिमोट कंट्रोल के साथ पेयर करना है, तो उसके लिए यहाँ पर ऑन ऑफ वाला स्विच है, इसको हम ऑन करेंगे। यहाँ पर जो है लाइट ब्लिंक हो रहा है और पेयर करने के लिए एक बार हमें जो है इस कंट्रोलर को ऊपर करके नीचे करना है। लाइट ऑफ हो गया यानी कि ब्लिंक करना बंद हो गया, यानी कि हमारा जो हेलीकॉप्टर है वो पेयर हो चुका है। अब बारी है इसे हेलीकॉप्टर को उड़ाने की। Thank you.
तो दोस्तों इसको जो है फुल चार्ज करने के बाद में खुले मैदान में आके हमने इसे ट्राई किया है, थोड़ा बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की है और भाई ये कंट्रोल से बाहर चला जाता है और नीचे गिरने टाइम में पकड़ना पड़ता है। तो खैर इससे जो है काफ़ी समय से लगभग 8-10 मिनट हो चुके हैं हम उड़ा रहे हैं और अभी भी इस पे बैटरी बाकी है। एक चीज़ ये है कि इसको क्या है, ये जहाँ भी जाता है ना इसके साथ साथ रिमोट लेके जाना पड़ता है भाई, नहीं तो क्या है ना ये इसका जो सेंसर है वो कैप्चर नहीं करता है, तो ये एक चीज़ है। उसके साथ में एक बंदा जो है रहना चाहिए नीचे पकड़ने के लिए। हालाँकि इतने बार ये गिरा है तो यहाँ देखो यहाँ थोड़ा सा जो है ये निकल गया है, टूटा तो नहीं है मगर ये जो जॉइंट है निकल गया है। इसको जो है हम घर जाके टेस्ट कर लेंगे। तो आई होप दोस्तों कि ये वीडियो जो है आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए। इसी तरह की टॉयज़ की अनबॉक्सिंग रिव्यू वीडियो देखना पसंद करते हैं तो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।